आजकल ट्विटर पे एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है और यह ट्रेंड कुछ इस तरह से वायरल हो रहा है कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड में एकदम टॉप पर है। हम बात कर रहे हैं हैशटैग चौकीदार फिर से और हैशटैग मैं भी हूं चौकीदार। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी का चौकीदार चोर है का नारा उल्टा पड़ता दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई जगह खुद को चौकीदार बताते हुए कहा कि वह एक चौकीदार है और एकदम चौकन्ने भी है। उन्होंने ट्विटर पर अपना नाम चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया है। उधर उनके समर्थन में सियासत भी गर्मा गई है। बिहार सहित देश के अधिकांश भाजपा के नेताओं ने खुद के नाम से पहले चौकीदार लगा लिया है और इसी बीच ट्विटर पर हैशटैग चौकीदार फिर से हैशटैग चौकीदार नरेंद्र मोदी वर्ल्ड वाइड ट्रेंड में टॉप पर है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से शुरू किया गया मैं भी चौकीदार कैंपेन शनिवार को ट्विटर पर दुनिया का टॉप ट्रेंड बन चुका है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार सुबह मैं भी चौकीदार हैशटैग के साथ ट्वीट किया। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा कि आपका चौकीदार मजबूती से खड़ा है और देश की सेवा कर रहा है, लेकिन मैं अकेला नहीं, हर कोई जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है वह चौकीदार है। भारत की प्रगति के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहा है वो भी चौकीदार है और आज हर भारतीय कह रहा है कि मैं भी हूँ चौकीदार। 3 मिनट 45 सेकंड का यह वीडियो भी पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट किया। इस वीडियो में वह कहते हैं कि आप आश्वस्त रहिए, आपका चौकीदार चौकन्ना है। इसके बाद एक गाना बजता है जिसमें लोगों को यह कहते हुए दिखाई जाता है कि वह भी चौकीदार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को मैं भी हूँ चौकीदार कार्यक्रम भी रखा है। आपको बता दें कि यह धीरे धीरे करके वायरल की तरह फैल रहा है और ट्विटर के टॉप वर्ल्ड वाइड ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर आ चुका है। ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नहले पे बीजेपी ने दहला देके मारा है और अब हर भाजपा नेता साथ ही साथ जितने भी मोदी के प्रशंसक हैं या फिर जो मोदी के चाहने वाले हैं वह अपने आगे चौकीदार लगा रहे हैं। इससे साफ कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा 2019 के चुनाव बहुत ही गर्माए हुए रहेंगे और 2019 के लोकसभा चुनावों का आखिरी दम तक जो नतीजा आएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी कि आखिर बॉल यानी कि जीत किसके पड़ने में जाती है, कौन सबसे ज्यादा छक्के लगाता है और कौन अपना विकेट जल्दी गवा बैठता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।